राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर बोलता है तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता। यही कारण है कि हम सलाह देते हैं ऐसे दर्पणों यानी आयनों के प्रयोग की जिनकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय हो, हाई क्वालिटी मिरर्स। भूल कर भी ऐसे आईने न खरीदें जिनमें आपको अपनी छवि टेढ़ी मेढ़ी या कटी हुई नजर आए। कई बार लोग आईनों को सजाने के लिए उन पर तरह तरह के कांच की आकृतियां चिपका देते हैं। ऐसा कतई न करें। टूटे हुए आईनों का प्रयोग भी न करें। ध्यान दें, आईने साफ और बड़े हों तो पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। नॉर्थ और ईस्ट दिशाएं आईना लगाने के लिए बेस्ट मानी गई हैं। ये एक मिथ है कि आप अपने बेडरूम में आईना नहीं लगा सकते। आप डेफिनेटली आपने अपने बेडरूम में आईना लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि आप किस डायरेक्शन में रख रहे हैं आईने को, और ज़रूरी ये देखना है कि मिरर में आपके बॉडी का, सोते समय आपके बॉडी का रिफ्लेक्शन मिरर में ना आए। तो उसको प्लान करने का तरीका ये है कि जहाँ आपका हेडरेस्ट है उसी वॉल पर अगर आप आईना लगा देंगे तो वहाँ पर आपके बॉडी का रिफ्लेक्शन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईस्ट में सिर करके सो रहे हैं, ईस्ट में हेडरेस्ट है ईस्ट की दीवार पर, और वहीं थोड़ा आगे जा कर के आपका ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शंस का भी इम्पोर्टेंस है। भूल कर भी आपको साउथ में यानी कि सदर्न वॉल में कोई आईना कभी भी नहीं लगाना है। जो बेस्ट माना गया है डायरेक्शन आईने लगाने के लिए वो है नॉर्थ और ईस्ट। इसके अलावा ज़रूरत पड़े और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी ना हो तो आप वेस्ट जोन में भी आईने लगा सकते हैं। मगर किसी भी परिस्थिति में भूल कर भी मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि आप साउथ जोन में आईने न लगाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडितायन छवि शर्मा फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।